हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत समय चल रहा है और फेस्टिवल्स का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में फिगर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम फेस्टिवल्स में पहनेंगे कपड़े तो हमारे ऊपर सूट नहीं करेंगे। हम मोटे हो जाएंगे तो हमारे अच्छे अच्छे कपड़े बेकार हो जाएंगे। और दोस्तों, डांडिया जब खेलेंगे नवरात्रि में, नवरात्रि आने वाले, इसलिए डांडिया की तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई है। कपड़े आदि की तो अपनी जगह, साथ ही साथ अगर हमारा फिगर ब्यूटीफुल होगा, हमारी मोटी सी तोंद जो है निकल गई हमारे कुछ भाइयों की, वो अंदर रहेगी तो हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं। हैंडसम बनना तो बनता है दोस्तों, ब्यूटीफुल लगना बनता है। इसलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि एक ऐसा छोटा सा जूस जो बहुत ही ईजी सा है, आप चाहें तो इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं ब्रू करके, और फिर आप देखेंगे इसको रोज़ सुबह सिर्फ आपको खाली पेट में एक ग्लास पी लेना है। अगर आपको चाय की आदत है, आप चाय नहीं छोड़ सकते, तो आप चाय के साथ साथ पिए और देखेंगे कैसे आपकी फटाफट विद इन 5 से 7 दिन में आपको आपकी बॉडी में फ़र्क दिखने लगेगा। हर 5 से 3 आदमी हमारे समाज में धीरे धीरे जो फूड हो गया है, स्पेशली फूड से भी ज़्यादा नुकसान हमारी लाइफस्टाइल करती है दोस्तों। हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है, हर कोई मोटापे का शिकार होने लगा है, और इसी मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां बहुत कम उम्र में लगने लगी है। कोई को डायबिटीज़ हो रहा है, तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, ओबेसिटी तो घर घर में पैर पसारते जा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना या बेवक्त खाना या बिल्कुल ना खाना, टाइम से ना सोना, ये सभी मोटापे का शिकार ही बनते जा रहे हैं लोग दोस्तों। और इसको फिर जब बुरे लगने लगते हैं या कोई फंक्शन आता है तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आपको कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना है। अगर आपने 100 किलो भी अपना वेट कर लिया है, तो मैं आपको छोटा सा उपाय बता रही हूँ, इसको करके आपको धीरे धीरे बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल जोश के साथ आपको ये उपाय करना है। 15 दिन आप ये जूस पियेंगे, और 15 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगी दूसरे जूस का तरीका। दोस्तों, मैंने पर्सनली अपनाया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये उपाय। एक टाइम था जब मैंने भी 20-25 किलो ज़्यादा वज़न बढ़ा लिया था मेरी इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से। सुबह से ऑफिस में बैठती थी, रात तक 9 बजे तक उठती नहीं थी, चेयर से सिर्फ लंच में 5 मिनट्स के लिए मैं उठती थी। ऐसी हालत हो गई थी मेरी, मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा था, मुझे खुद नहीं पता था, जबकि मेरी डाइट बहुत कम थी, तो मुझे पता नहीं लग रहा था कि क्या बात है, क्यों मेरा वेट बढ़ रहा है। दोस्तों, मुझे मेरी फ्रेंड ने एक इस चीज़ के ड्रिंक के बारे में बताया था, और बिल्कुल आसान सा है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ 5 दिन खाली पेट में ये जूस यूज़ करना है, मैजिक की तरह आपकी कैलोरीज बर्न करेगा और आपके वेट को कम करेगा। आपको क्या क्या लेना है वो मैं बता देती हूँ आपको। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है अदरक। अदरक एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपनी ज़्यादातर रेसिपीज़ में डालना पसंद करते हैं। आप जानते होंगे कि इसमें स्वाद के साथ साथ गुणकारी तत्व भी मौजूद होते हैं। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी हमारे शरीर से सूजन को कर्म करने वाली चीज़ें होती है इसमें, और साथ ही साथ गैस और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए भी लाभदायक होता है। दोस्तों, वेट कम करने के लिए भी अपनाया जाता है अदरक को, और बहुत ही जल्दी इफ़ेक्टिव होता है। बहुत ही भीनी भीनी सी इसकी खुशबू होती है, यहाँ तक कि मैं चाय में अगर अदरक ना पीऊँ दोस्तों, तो मुझे चाय भी अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों, हमारे मेटाबॉलिज्म को सबसे ज़्यादा हमारा वेट लॉस कब होता है? जब हमारा मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है। यूजुअली हमारे जो वेट बढ़ने का कारण होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और हम जैसे जैसे मोटे होने लगते हैं, हम धीरे धीरे खाना कम कर देते हैं, ये सोच करके कि ज़्यादा खाऊँगा तो ज़्यादा मोटा हो जाऊँगा, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा वेट और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए हम फास्ट करेंगे अपने मेटाबॉलिज्म को, ताकि फटाफट हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो सके। दोस्तों, मुझे नींबू के बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी औषधि है, घर में बैठे बैठे रामबाण है, मेडिसिन है, विटामिन सी का बेस्ट स्रोत है, और दोस्तों प्राकृतिक रूप से वजन कम करने वाले तत्व इसमें मौजूद होते हैं। आप किसी से भी पूछिए, सबसे पहले वो यही बोलेगा, नींबू और मधु सुबह सुबह खाली पेट में ले लो, वेट आपका कट के निकल जाएगा।
दोस्तों कई बार क्या होता है, किसी किसी को लेमन के साथ साथ मधु सूट नहीं करती है, हनी से उल्टा किसी किसी का वेट बढ़ने लगता है। तो अगर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको हनी सूट करती है कि नहीं, अगर नहीं करती है तो इमीडिएट बंद कर दें और सिर्फ अदरक और नींबू का रस का सेवन करें। दोस्तों नींबू एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में मौजूद बाहर टॉक्सिन्स है जो हमने अनाप शनाप अनशन चीज़ें खा के हमारे बदन में गंदे पदार्थ, हम एक गंदा सा सड़ा हुआ खाना अगर रख दें 5 दिन कैसी स्मेल मारती है, कितना गंदा सा हो जाता है वो। तो सोचिए हमारे शरीर में अगर हमने खाना जमा करके रखा होगा, पेट साफ नहीं होता होगा, इस तरह की चीज़ें हैं, तो किस तरह से हमारे शरीर में गंदगी जमा होगी। तो सबसे पहले स्लिम होने के पहले साथ साथ हम अपने चेहरे की ग्लो भी बनाएंगे, हमारे शरीर की भी ग्लो बनाएंगे और हम इसके लिए अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे नींबू के थ्रू। दोस्तों हमारे पेट के सूजन कम करने में लाभदायक होती है नींबू और इसलिए वेट लॉस रूटीन में इसको शामिल करना बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए मैं बताऊं फटाफट आपको कैसे कम करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वजन कम करने में लाभदायक है, तो अब इन दोनों को एक साथ मिला करके सेवन करने वाले दुगने प्रभाव को आप यूज़ करें। दोस्तों दोनों प्राकृतिक रूप से अच्छे फॉर्मूले हैं जिन्हें आप वजन कम करने के लिए अपना सकते हैं और वेट कम करने के लिए ली जाने वाली किसी भी गोली या कोई भी अन्य आसान तरीके से बहुत ही बेटर रिजल्ट्स देता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि इसका कैसे यूज़ किया जाता है तो आज मैं आपको बता देती हूँ कैसे कम करना है। मोटापा कम करने के लिए घरेलू नुस्खा सबसे ईजी सा है, नींबू और अदरक की चाय बना करके आप दिन में 4 बार पिएं। जब आप 4 बार सेवन करते हैं दोस्तों आपको नींबू की क्वांटिटी आधी रखनी है, यानी एक दिन में आपको पूरे 2 नींबू यूज़ करने हैं, चाहे आप उसको 4 बार में करें चाहे उसको 2 बार में करें। बेस्ट तरीका होता है आधा आधा नींबू आप 4 बार में यूज़ करें, मॉर्निंग में खाली पेट, रात में सोने से पहले और लंच और डिनर के आधे आधे घंटे पहले। अगर आप लंच और डिनर में मिस कर रहे हैं तो ये नींबू का जो जूस है ये रस आपको फूड के आधे घंटे के बाद पीना चाहिए। ट्राई करें इसमें शक्कर ना मिलाएं, शुरू में एटलीस्ट 5 दिन आपको शक्कर नहीं मिलानी है। इसके बाद अगर आप रेगुलर पीना चाह रहे नहीं है तो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में आप हल्की सी शक्कर डाल सकते हैं। सामान्य चाय की तरह आपको इसको बनाना बहुत ही आसान सा है, पानी उबल जाने पर इसमें अदरक आप कुचल कर डाल दीजिए, आपको 1/2 इंच अदरक लेना है। इसके बाद कप में नींबू निचोड़ कर चाय में मिलाएं, आपकी चाय तैयार है। दोस्तों नाश्ते के पहले ये चाय पीना बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है। अगर आपको कच्चे अदरक के स्वाद से कोई परहेज नहीं है तो आप कच्चे अदरक को बारीक बिल्कुल महीन काट करके भी अपनी चाय में मिला सकते हैं, पर ध्यान रखें दोस्तों इस चाय में आपको शक्कर नहीं मिलानी है। आप एक बेहतर तरीके से नींबू पानी या नींबू शिकंजी जिसको हम कहते हैं हर कोई अपने घर पे बनाता है, इस नींबू पानी में अदरक डाल करके स्वाद को आप और इन्हांस कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही क्लासिक सा तरीका है जिसे रिफाइंड चीनी या शहद की मदद से आप मीठा बना सकते हैं। वजन कम करने के लिए इन तरीकों के साथ ही साथ एक तरीका ये भी होता है जिसमें आप कसे हुए जो अदरक होते हैं उसको पत्ता गोभी के साथ मिला करके आप जूस बना लें, और ये आपकी बॉडी को, इस जूस को आपको 15 दिन तक आप अगर लगातार पिएंगे तो आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। दोस्तों हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है कैबेज जूस और अदरक का जूस मिला करके, इसमें थोड़ा सा नींबू मिला लें और नाश्ते के पहले या दिन में एक बार कभी भी इसको आप पी लें, वजन कम करने के लिए बेस्ट उपाय है। दोस्तों लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं वेट लॉस के, अब आप नींबू और अदरक के प्रयोग से होने वाले धीमे मगर बहुत ही इफेक्टिव असर को ज़रूर महसूस करेंगे। अभी जा करके आपको 1 गिलास पानी पी लेना है ये, और रात में सोने से पहले आप इसको ज़रूर पिएं। अदरक और नींबू दोनों ही अपने गुणों के साथ साथ खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं दोस्तों, और एक मुट्ठी अदरक की छाल को नींबू की छाल के साथ मिला करके आप इसे सलाद में मिलाकर कम कैलोरी वाले भोजन की तरह भी खा सकते हैं। दोस्तों नींबू और अदरक दो ऐसी चीज़ें हैं जो कई तरह से हमारी बॉडी को लाभदायक करती है, फ़ायदा पहुंचाती है, और वज़न कम करना अपने लिए एक तनावपूर्ण समस्या ना हो करके मज़ेदार चीज़ हो जाता है। दोस्तों अब आपको वज़न कम करने संबंधी सिर्फ फ़ायदे इससे नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे इससे और फ़ायदे होते हैं।
जैसे कि आपको रिलैक्सेशन, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको विशेष करके डिप्रेशन से इसमें राहत मिलती है। नींबू और अदरक को रक्त को साफ करने वाला माना गया है, हमारे शरीर से ऐसे तत्वों को यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जो शरीर में अनावश्यक रूप से जमा हो जाते हैं और हमारी बॉडी को विषैला बना देते हैं। दोस्तों ये दोनों ही हमारे शरीर की भीतरी सफाई करते हैं और नेचुरल तरीके से हमारे शरीर की सभी प्रकार की बीमारियों को धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। इसके बेहतर संयोजित रूप से ब्लड प्रेशर तक ठीक होता है दोस्तों, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है आपकी बॉडी में उससे भी फाइट करता है। दोनों ही पदार्थ यानी कि अदरक और नींबू का मिश्रण प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो फाइटिंग स्पिरिट होती है हमारी बॉडी की उसको मजबूत करता है। इन दोनों में उपस्थित घटक इसके लिए भी उत्तरदायित होते हैं और सर्दी जुकाम कम करके जो हमारे गले में म्यूकस बनता है उसकी स्थिति को ठीक करता है। अगर सांस संबंधी समस्याएं हैं तो उसकी भी इन्फेक्शन को दूर करके हमारे जो स्किन की इन्फेक्शन है उनको दूर करता है। दोस्तों दोनों चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, विटामिन सी की मौजूदगी इसे और भी प्रभावशाली बना देती है। नींबू और अदरक से आप कोई भी खाने में इसको मिक्स करके आप डालकर खाएं तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। दोनों दोस्तों मैं लास्ट में आपको पाचन के लिए दोनों का ही इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद परिणाम देते हैं और अदरक नींबू से बने इस ड्रिंक को आप अपने मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करने के लिए भोजन को पाच्य बनाने में आपके लिए बहुत ही फायदा करने वाला है। दोस्तों इसका रोजाना आपको खाली पेट में ज़रूर एक ग्लास सेवन करना चाहिए, दिन में 4 बार आप पी सके तो बहुत अच्छी बात है और नहीं तो कम से कम अर्ली मॉर्निंग इसको आप ज़रूर पिए और पेट के भीतर आंतों की क्रिया धीमी करके तरल पदार्थों को सामान्य बनाए रखता है। दोस्तों नींबू और अदरक दोनों में ही ये गुण होता है कि वेट कम करने में हमारी मदद करता है और वेट संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो सुलझाने में हमारी सहायक होती है। दोस्तों आवश्यकता से भी अधिक लाभ देती है और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आप हमेशा ये याद रखें कि वेट लॉस की ये प्रक्रिया एक धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप इसे उचित समय पर करेंगे, रोज नियम से करेंगे, अपने आहार पर ध्यान देंगे, हल्की एक्सरसाइज करें या फिर कम से कम 40-45 मिनट्स एवरीडे आप वॉक करें तो ये संतुलित रहेगा आपका वेट और धीरे धीरे आप इतने फिट एंड टिप टॉप हो जाएंगे कि हर कोई देखने वाला आपको बोलेगा वाह कितना मेंटेन्ड है। दोस्तों इसे धीमी गति से ही शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करें, किसी को बताए बिना गुप्त रूप से जैसे आप पूजा पाठ करते उस तरह से शुरू करें और 15 दिनों में आप देखेंगे कैसे आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों छोटी सी कोशिश भी मजबूत और ठोस इरादों वाली अगर हो तो आसानी से टूटती नहीं है, इसलिए इरादा कर लीजिए, अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि अब आपको वेट लॉस करना है और ये आसान सी ड्रिंक बिल्कुल आसानी से घर में किसी भी समय किसी भी तरह से, मैं आपको बांध नहीं रह रही हूँ कि आपको ऐसे ही पीना है, सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ करके आप किसी भी चीज़ में यूज़ कीजिए और इसको यूज़ करके अपने डाइट को हल्का सा कंट्रोल करके रखें, थोड़े फैट फूड्स और फ्राइड फूड्स बंद कर दीजिए और देखिए कमाल 15 दिनों में कैसे आपके बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट। दोस्तों बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ और मुझे पक्का विश्वास है आप सब मुझे धोखा नहीं देंगे, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे। अगर एक बार छूट भी जाए, 1 दिन या 10 दिन छूट भी जाए, 11वें दिन आपको फिर से चालू कर लेना है, ध्यान रखें दोस्तों और फिर देखेंगे कमाल। मुझे आप अपनी चाहें तो बिफोर और आफ्टर की फोटोज़ भेज सकते हैं चेंजेस आने के बाद ताकि हम इसको अपने चैनल पर आप लोगों को दिखा सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड जय माता दी। किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियोज़ के नीचे आप लिख के पूछ लें और किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनकी वेट बहुत बढ़ रही है और वो अपने आप से शर्मिंदा है तो प्लीज़ ये वीडियोस आप ज़रूर उनसे शेयर करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।